हाय फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं कढ़ी पकौड़े की रेसिपी कुछ टिप और ट्रिक के साथ, जिससे कढ़ी पकौड़ा बनाना आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स भी करिएगा। चलिए हम बना लेते हैं कढ़ी पकौड़े की रेसिपी। मैंने एक कटोरा बेसन लिया है, आधे चम्मच से भी कम मैंने हल्दी ली है और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया। मैंने आधी कटोरी खट्टी दही ली है। मेरे घर पे ज़्यादा खट्टी कढ़ी खाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने आधा कटोरी दही लिया है। आप खट्टी कढ़ी खाना पसंद करते हैं तो आधा कटोरी बेसन और एक कटोरी आप दही खट्टी दही लीजिए, ताकि आपकी कड़ी खट्टी बन सके। मैंने हाथों से दही और बेसन और हल्दी मिर्च को फेंट लेते हैं हम अच्छी तरीके से। थोड़ा पानी देकर हमें बेसन को अच्छे से फेंटना है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अच्छी तरीके से फेंटने से हमारी कड़ी का टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। देखिए फ्रेंड्स, बेसन कितना स्मूथ हो चुका है। बेसन को आप जितने अच्छी तरीके से फेंटेंगे, कढ़ी उतनी अच्छी बनी। बेसन अच्छी तरीके से फेंट चुका है। मैंने एक कटोरी बेसन लिया था, अब हम 8 कटोरी पानी डालेंगे। आपको यदि कढ़ी पतली खानी पसंद है तो आप 10 कटोरी भी पानी डाल सकते हैं। 2 कटोरी पानी हम बाद में डालेंगे। बेटर को अब हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। अब हम पकौड़े बना लेते हैं। एक कटोरी मैंने बेसन लिया है और एक मीडियम साइज को लंबा लंबा पतला कट कर लिया है, उसे भी हम डाल देते हैं। हल्दी, नमक, मिर्च, प्याज को हमें हाथों से अच्छे से मसलना है, ताकि प्याज से पानी छूटे। अब हम थोड़ा थोड़ा कर कर पानी डाल देते हैं। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, पकौड़ों के लिए हमें थोड़ा सा ही पानी डालना है और गाढ़ा गाढ़ा बैटर बनाना है। बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है। प्याज से जो पानी छूटता है ना, उससे पकौड़े का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए फ्रेंड्स, बैटर बनकर रेडी। कढ़ाई पे मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम पकौड़े को फ्राई कर लेते हैं। पकौड़ा हमारा फ्राई हो चुका है। एक साइड से हम उसे पलट लेते हैं, दूसरी साइड भी पकौड़े को फ्राई होने देते हैं। पकौड़ा हमारा फ्राई होकर तैयार है। अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं पकौड़े को। दोबारा से हम पकौड़े को फ्राई कर लेते हैं। सारे पकौड़े को मैंने डाल दिया है। एक साइड से हमारा सारा पकौड़ा फ्राई हो चुका है। अब हम दूसरी साइड भी पकौड़े को फ्राई कर लेते हैं। हम सारे पकौड़े को पलट देते हैं। दूसरी साइड से भी हमारा पकौड़ा फ्राई हो चुका है और हम सारे पकौड़े को प्लेट पे निकाल लेते हैं। जिस तेल में मैंने पकौड़ा फ्राई किया था, उसी तेल में हम धनिया, जीरा और मेथी दाना डाल देते हैं। उन्हें भी हल्के से फ्राई कर लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हम फ्राई कर लेते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट में हमें पानी नहीं डालना है और जो हमने बेसन का घोल बना के रखा है, उसे चम्मच से हल्का सा मिला लेते हैं। मैंने बोला था ना, 2 कटोरी पानी अब बाद में डालेंगे। 2 कटोरी पानी डालकर मैंने बर्तन पे बेसन चिपका हुआ था, उस बेसन को अच्छी तरीके से धोकर हम कढ़ी में डाल देते हैं। कढ़ी को हमें तब तक चलाते रहना है जब तक कढ़ी में उबाल ना आए। आप इस तरीके से कढ़ी बनाइएगा तो आपकी कढ़ी फटेगी नहीं और काफ़ी टेस्टी बनेगी। यदि कभी भी आपसे पानी कम या ज़्यादा हो जाए, कढ़ी फट जाए, तो आप उसे ज़्यादा देर के लिए पका दीजिएगा तो आपकी कढ़ी अच्छी हो जाएगी। देखिए, हमारी कढ़ी गाढ़ी हो गई है और कढ़ी में उबाल भी आ गया है। अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। कढ़ी में हम नमक को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। कढ़ी का टेस्ट दोगुना बढ़ाने के लिए मैंने आधा चम्मच मक्खन डाला है। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। मैं हमेशा कढ़ी बनाती हूँ मक्खन का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, इससे कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। कढ़ी में पकौड़े हम डाल देते हैं।
अब पकौड़ों को हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं कढ़ी में। कढ़ी हमारी बनके तैयार। कढ़ी में तड़का लगाने के लिए मैंने ऑयल लिया है और 2 लाल सूखी मिर्च, हींग पाउडर डाला है और अजवाइन डाली है। बेसन को डाइजेस्ट करने के लिए अजवाइन बहुत अच्छा होता है और मैंने लाल काश्मीरी मिर्च डाली है। कढ़ी में हम इसे तड़का लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार है हमारी कढ़ी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा, रेसिपी ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।